जितने भी घपले, जितने भी बोलते हैं ना विवाद, जितने भी कांड हुआ करते हैं, सबके पीछे एक औरत का हाथ होता है। कहा करते हैं किसी को किसी की जुदाई ले बैठी और किसी को किसी की बेवफाई मार गई, किसी को किसी की जुदाई मार गई तो किसी को किसी की बेवफाई मार गई। और वैसे तो वो रावण भी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन मत बोलो उसने भी राम की लुगाई मार गई। आइए हवाला किस प्रकार से कि जब रावण सीता हरण कर लेते हैं तो रानी मंदोदरी उन्हें समझाने लग जाती है, और किस प्रकार से रावण बताने लग जाता है कि रानी तेरे सारे सपने झूठे हैं, तेने पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। आइए रागिणी के माध्यम से कैसे बताने लग जाता है कि तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, और क्यों ना कर। आइए किस प्रकार से क्या कहने लगा, क्या बताया। दिखे सपने झूठे, बताना।
राजा बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर आखिरी में उसका न्यास करेगी तो बस एक औरत, और कोई उसका नाश नहीं कर सकता। कहने लगा मेरा भी नाश करा, किसने नाश करा? आइए कहा करते हैं, लिखने वाले ने बखूबी लिखा है कि ये नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है, अरे रसरंगी नहीं सतरंगी है, और ये ढक दे तो सारे कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी। आइए आखिरी बात हुई, हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद ने अपनी छाप लगाई और किस प्रकार से क्या हवाला लिख दिया। लाया उन मोड़ा ने बात